आपकी ज़िंदगी का सातवां वसफ़ है मासूम बच्चों की रियायत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की भी रियायत रखते थे। मुसनद अहमद की रिवायत है, हज़रत अबू लैला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चे हसन या हुसैन को लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे थे, आपने उन्हें अपने सीने पर बिठाया, इतने में बच्चे ने पेशाब कर दिया। जब पेशाब किया, सहाबी एकदम आगे बढ़े हटाने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बेटे को कुछ ना कहो, मेरे बेटे को तकलीफ़ में न डालो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और इत्मीनान से उसे किनारे पर बिठाया, पानी मंगवाया, अपने कपड़ों और जिस्म को धो लिया, यानी उम्मत को दर्स दिया बच्चों से मोहब्बत करो, उम्मत को दर्स दिया बच्चों से नफ़रत न करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतें अपने बच्चों को लाती थीं, जब बच्चा पैदा होता वो चाहती थीं कि उन्हें पहली खुराक हुजूर दें, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन किसी के मुंह में लगेगा तो उसमें बरकात आएंगी, बहादुरी आएगी। तो जब बच्चों को लाती, बसा औकात कोई बच्चा आपकी गोद में पेशाब कर देता, लेकिन आपके चेहरे पे कभी नागवारी नहीं आती थी। आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम इस बच्चे को क्यों ले आई, तुमने इसके साथ कपड़ा क्यों ना लाया, कंबल क्यों ना लाया, कभी नागवारी ना होती। आप बच्चे के मुँह में अपना लुआब डालते, उसे उस माँ के हवाले करते और अपने कपड़े को धो लेते। तो गोया उम्मत को दर्स दिया बच्चों से मोहब्बत होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एक बच्चे को बोसा दिया, तो एक देहाती सहाबी था, तो उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने तो आज तक अपने किसी बच्चे को बोसा नहीं दिया, मेरे तो 10 बच्चे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरे दिल से अल्लाह ने रहमत और शफ़क़त को निकाल दिया है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अगर तेरे दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत नहीं है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बच्चों से गोया मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो आपकी ज़िंदगी का एक सातवां वसफ़ बच्चों की रियायत।